दलितों के मुद्दे पर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आज विपक्ष दो अहम पार्टी के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। दलितों के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर हो गया है, मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने सरकार को घेरा तो दिल्ली में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दलितों का मुद्दा उठाया। आज विपक्षी नेताओं ने दलितों के मुद्दे पर पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए, उनसे बयान की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा की जांच में दलितों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। 2018 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं। हर पार्टी को सत्ता के लिए दलितों का साथ चाहिए, इसलिए मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने राहुल और मायावती पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता विनय सोनकर शास्त्री ने कहा कि राहुल को पहले अपनी पार्टी का डीएनए देखना चाहिए। दलितों को कुचला जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी यूपी में दलितों की हत्या होती है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। 2 अप्रैल के बाद से इन वर्गों के लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब व दयनीय बन चुकी है कि अब ये लोग अन्य वर्गों के लोगों की तरह धरना प्रदर्शन व भारत बंद आदि कर सकते हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि भाजपा और आरएसएस का दलित विरोधी डीएनए है। अरे जरा वो अपने डीएनए पर तो देखे होते।